हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिनसे मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट वाला, दिस इज 252। मैं क्या करूँगी, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ बेटा, 2 1 2, फिर इस 5 को करो, 2 2 4 बच्चा 1 2 6 12, फिर इसको करती हूँ 126 को, 2 6 12, 2 3 6। अब देखो 2 से तो होगा नहीं, तो मैं इसे 3 से करती हूँ, 3 2 6, 3 1 3, फिर करो 3 7 21। अब ये 7 से जाएगा, 7 1 7। तो देखो बेटा 252 कैन बी रिटन एज 2 × 2, 3 × 3 × 7। ठीक है, तो देखो बेटा मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि देखो ये दो एक पैर बन गए। ठीक है, यहाँ पे 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया, एक पैर बन गया इनका, यहाँ पे 7 अकेला रह गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर मुझको इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कौन सा नंबर यहाँ पे रहता है, यहाँ पे तुम्हारा 7 है जो अकेला है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसमें इंटू 7 कर दूँ, ठीक है, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, बन गया परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 7 का भी एक पैर मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर इस नंबर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 7। तो आप कहेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 7। ठीक है, इस नंबर को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। चलो इसे 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, 6 7 1। तो ये क्या है, आपका न्यू नंबर है। मैंने क्या करा, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करा, तो मुझे ये क्या मिला, मेरा न्यू नंबर मिल गया। ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या लिखेंगे, न्यू नंबर ऑब्टेंड कितना हो गया, 1764। ठीक है, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करूंगी मैं, 1764 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 × क्या था हमारे पास नंबर, 2 × 2, 3 × 3, 7 × 7। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, एक पैर, ये भी एक पैर, ये भी एक पैर। ठीक है, इनको पेयरिंग कर दी मैंने, दो दो के जोड़े बना दिए। यहाँ से क्या लोगे तुम, 2, यहाँ से क्या लोगे, 3, यहाँ से क्या लोगे, 7। ठीक है, 2 3 6, 6 7 42। तो जो नया नंबर हमें मिला है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, आसान है ना। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पे। देखो यहाँ पर है तुम्हारे पास 180, क्या करोगे, 180 के प्राइम फैक्टर्स निकालो जरा सा, 2 से करती हूँ, 2 9 18, 0, फिर करो 45, 2 4 8, 2 5 10। अब ये 5 से जाएगा है ना, 5 9 45, 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 1 3। ठीक है, सही। तो मैं 180 को बेटा कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2, ठीक, 3 × 3। तुम चाहो तो बीच में 5 भी ले लो, जैसे मैंने लिया है, यहाँ पे 5 भी ले सकते हो पहले, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो बच्चों, अगर मैं इसकी पेयरिंग करती हूँ तो ये दो नंबर्स का 2 2 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर 3 3 का एक पेयर बन गया। एक से नंबर की तो पेयरिंग करते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 बेटा अकेला बचा है अकेला, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इसमें बेटा एक 5 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब तो 5 का भी एक पैर बन गया, इसका मतलब मुझे आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 180 बाय 5। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 180 बाय 5। ठीक है, तो हमें न्यू नंबर क्या मिलेगा इसे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो न्यू नंबर इज इक्वल टू 180 × 5, 0 5 8 40, 5 1 5, 900। ठीक है, ये तुम्हारा न्यू नंबर हो गया। लेकिन अभी क्या है, इस नए नंबर का भी बेटा स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देखो जरा, स्क्वायर रूट ऑफ 900 है ना, इस नए नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, यही तो आया तुम्हारे पास नंबर, तो मैं इसमें से, इस पैर में से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 3 ले लिया, इस वाले पैर में से एक 5 ले लिया, स्क्वायर रूट ऐसी तो हम लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 × 3, 30। ठीक है,
तो ये तुम्हारे जो नया नंबर आया 900, ये उसका स्क्वायर रूट हो गया। आसान है, आराम से समझ में आ रहा है ना। चलो अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर है 1008। चलो इसको मैं पहले 2 से इसको वो करती हूँ, डिवाइड करती हूँ। 2 5 10 0, 2 4 8, फिर करती हूँ 2 से 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, फिर करो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, फिर से करती हूँ 2 6 12, 2 3 6, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से करती हूँ, 3 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, अब ये 7 से जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा मैं 1008 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 into 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 7, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस नंबर को। लेकिन देखो अगर बेटा मैं इसका स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, क्या है वो चीज़ कि देखो ये भी एक पैर है, ये भी एक पैर है, ये भी है, लेकिन तुम्हारा देखो 7 अकेला है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे ये मल्टीप्लाई हो तो जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं देखती हूँ अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, देखो हो गया, सबकी पेयरिंग हो गई। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1008 बाय 7, इसको तुम 7 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा न्यू नंबर क्या मिलेगा, तुम्हें न्यू नंबर ऑब्टेंड इज इक्वल टू 1008 इंटू 7। ठीक है, ज़रा मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा 7056, दिस इज़ योर न्यू नंबर। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास नया नंबर आ गया, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 7056। ठीक, अब कह रहे हैं इसका स्क्वायर रूट निकालो जो नया नंबर है, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 कितना हो जाएगा बेटा, इसमें से एक ले लो, ये किसका पेयर है 2 का, तो एक 2 ले लो, इस ये किसका पेयर है 3 का, ये किसका पेयर है 7 का। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 84। तो ये इस नए नंबर का तुम्हारा स्क्वायर रूट हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ठीक है ना, बस बेटा प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स को, है ना, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। अब ये तुम्हारे पास 2028, ठीक, क्या करोगे इसको ज़रा सा देखो, 2 से करती हूँ ज़रा, 2 1 2 0 2 1 2, 2 4 8, फिर से करो 2 से, 2 5 10, 0 2 7 14। ठीक है, अब तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा ये, 3 1 3, 2 3 7 21, 3 6 18, 2 3 9 27। ठीक है, सही, अब 169 किसका है स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ठीक है, याद रखना 144 12 का है, 169 13 का है, 121 11 का स्क्वायर है। ठीक है, याद रखोगे तो थोड़ी आसानी हो जाती है ना। चलो अब मैं इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ उसके, 2 into 2, 3 into 13 into 13। ठीक है, तो देखो मैं ये देखती हूँ बेटा, एक पैर यहाँ बन गया, एक पैर यहाँ बन गया, तुम्हारा 3 अकेला रह गया है ना, तो क्या कर सकते हैं हम, मैं अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो बात बराबर हो जाएगी, अब इसका भी पैर मिल जाएगा मुझे, एक पैर ऐसे मिल जाएगा, तो मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2028 बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो न्यू नंबर ऑब्टेंड कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2028 इंटू 3 करो ज़रा सा, तो ये तुम्हारा नंबर आ जाएगा 6084। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मुझे 60284 का अगर स्क्वायर रूट चाहिए तो यहीं यही वाला जो नंबर है, ज़रा ये किसका पेयर है 2 का, ये किसका पेयर है 3 का, ये किसका पेयर है 13 का। ठीक है, ज़रा मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 78।
ठीक है, आ रहे समझ में आराम से? अब आ जाओ इसके तुम फिफ्थ पार्ट पर। हियर यू हैव 1, 4, 5, 8। क्या करोगे इसके प्राइम फैक्टर्स? जरा सर करो। 2 से करती हूँ, 2 7 14, 2 2 4 2 9 18। ठीक, अब 2 से नहीं जाएगा है ना, 3 से करते हैं। चलो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3। ठीक है, 3 2 6, 3 7 21, फिर से करो 3 9 27, फिर करो जरा सा 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, चलो तो मैं 1 4 5 8 को कैसे लिख सकती हूँ बेटा? जरा सा देखो, एक के 3 है, 3 के, ठीक है, ये 2 कर सकते हो तुम ऐसा, उसमें कोई मसला नहीं है कि पहले 2 × 3 करो, क्योंकि 2 × 3 × 3 करोगे वो भी एक बात है, 3 × 3 × 2 करोगे वो भी एक बात है। मैंने ऐसे क्यों करा, इसका एक जोड़ा काम है ना, देखो यहाँ पे 2 दूसरा पैर नहीं है, तो इसलिए मैं लास्ट में लगा दूंगी, तो आसान हो जाएगा तुम लोग को समझना। अब देखो अगर हम इसकी पेयरिंग करते हैं तो बेटा एक ये 3 का पैर है, फिर एक 3 का पैर मिला, फिर एक ये 3 का पैर मिला, 2 देखो तुम्हारा अकेला रह गया है। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, पेयरिंग जब करोगे तो एक से नंबर की पेयरिंग मत करना, 2 × 3 की कोई पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, दोस्त बनाते तो अपने जैसे ही तो बनाते हो है ना, अलग दोस्त तो नहीं होते ना। ऐसी देखो इसमें तुम, अब मुझे एक 2 की अगर ये पेयरिंग होती, अब ये एक स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं? ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ कि इधर 1 4 5 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो तुम लोग लिखोगे मल्टीप्लाई 1 4 5 8 बाय 2, तुम्हें कितना परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो जो तुम्हारा नया नंबर मिला है, न्यू नंबर ऑब्टेंड, क्या है तुम्हारा नया नंबर? अब जरा मल्टीप्लाई करो, 1 4 5 8 × 2 करो जरा सा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास धन 9 2 8 16। ठीक है, तुम्हारा नया नंबर हो गया। ठीक, अब तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 2 9 1 6 का, क्या करोगे? अब तो तुम्हारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया 2 मल्टीप्लाई होते ही। चलो ये किसका पेयर है? 3 का। ये किसका पेयर है? 3 का। ये किसका पेयर है? 3 का। ये किसका पेयर है तुम्हारा? 2 का। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 6 9 54, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 54। सही है, समझ में आ रहा है आसानी से? अब आ जाओ तुम इसके सिक्स पार्ट पर है ना। अब तुम्हारे पास नंबर है 7 6 8। ठीक है, क्या करो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12। ठीक है, फिर जाएगा ये 48 से। ठीक, लेट मी चेंज द पेन। टू टू ज़ा फोर, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर जाएगा ये 12, फिर जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा सा मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ। 2 3 4, इसको रब कर देती हूँ, याद रखना 2 के जो हैं 1 2 3 4, 4 पैर तो 2 2 के ही बन रहे हैं। ठीक है, अब इसे याद रखना, ज़रा जगह हो जाएगी ना थोड़ी सी। तो 7 68 कैन बी रिटन एज 1 पेयर, 2 3 4 5। ठीक, ये था। ठीक है, ये नंबर है। चलो अब पेयरिंग करते हैं, ये एक जोड़ा, ये एक पैर, ये एक पैर, ये एक पैर, क्या बचा तुम्हारा? 3 अकेला रह गया। चलो इसमें अगर मैं एक 3 मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, बन गया ना। चलो फिर क्या करेंगे हम, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 7 68 बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर न्यू नंबर ऑब्टेंड विल बी 7 68 × 3, मल्टीप्लाई करो जरा सा, 3 24, तो ये बनेगा 2 3 0 4।
अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इस नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालो। ये क्या है? 2। ये किसका पेयर है? 2 का। ये किसका पेयर है तुम्हारा? 2 का। ये किसका पेयर है? 2 का। ये किसका पेयर है? 3 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 48। सही है, तो ये जो नया नंबर आया है तुम्हारा, इसका स्क्वायर रूट हो गया 48। आ रहे हैं आराम से समझ में, अच्छे से? ठीक है, अब आ जाओ इसके तुम क्वेश्चन नंबर 6 पर।